दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और उमेश यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, उमेश यादव की धारदार गेंदबाजी पर आया वीरेंद्र सहवाग का सनसनीखेज बयान। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन उमेश यादव ने अपनी रफ्तार भरी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया है। उमेश यादव की धारदार गेंदबाजी को देखकर वीरेंद्र सहवाग के भी होश उड़ गए। वीरेंद्र सहवाग ने उमेश यादव की दमदार गेंदबाजी को देखकर ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार उमेश यादव की खौफनाक गेंदबाजी पर वीरेंद्र सहवाग ने क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और उमेश यादव में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला इंदौर के मैदान पर रोमांचक तरीके से खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मात्र 109 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आई ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले दिन की समाप्ति तक 156 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सभी चारों के 4 विकेट हासिल किए थे। लेकिन जब दूसरे दिन खेल प्रारंभ हुआ तो शुरुआत से लेकर अंत तक भारतीय गेंदबाजों का दबदबा रहा। हालांकि 16 ओवर में यानी पहले एक घंटे के अंदर 30 रन आ गए और एक भी विकेट नहीं गिरा। लेकिन इसके बाद अगले आधे घंटे के अंदर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई, जहां पर 11 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 6 विकेट गंवा दिए और पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 197 रन पर ऑल आउट हो गई। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन दोनों ने 3 विकेट हासिल किए और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 88 रन की बढ़त हासिल की है। ऐसे में उनकी खतरनाक गेंदबाजी को देखकर वीरेंद्र सहवाग का बयान सामने आया। वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा है कि इस मुकाबले में उमेश यादव ने दमदार गेंदबाजी करते हुए दिखा दिया कि उनसे बेहतर गेंदबाज इस मुकाबले में कोई भी नहीं है। उमेश यादव ने अपनी शानदार गेंदबाजी से इस बार तो कन्फर्म कर दिया कि उनको जब भी अपनी टीम में मौका देंगे तब तक भारतीय टीम के लिए जीत दर्ज करने का कार्य करते हुए दिखाई देने वाले। हालांकि मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी के कारण उनको टीम में खेलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन उमेश यादव को जब कभी भी खेलने का मौका मिलता है तो वो हमेशा भारतीय टीम के लिए विकेट निकालने का काम करते हैं और भारत की जीत दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। और यहां पर भी उमेश यादव का उसी तरीके का खतरनाक प्रदर्शन देखने को मिला है। उमेश यादव के उन 3 विकेट के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन ने भी शानदार गेंदबाजी की है। रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दिखा दिया है कि जब तक अश्विन पूरी अपनी फिरकी से तहलका मचाते हुए दिखाई देने वाले हैं तब तक भारतीय टीम को हार का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय टीम की ताकत उनकी तेज गेंदबाजी नहीं बल्कि फिरकी गेंदबाजी है। वैसे देखा जाए तो रविंद्र जडेजा ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की है, लेकिन जिस अंदाज से अश्विन और उमेश यादव ने दूसरे दिन में विकेट न निकालते वक्त वाले समय पर विकेट निकाल दिए उसकी तारीफ होनी चाहिए। मेरे अनुसार रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव के कारण भारतीय टीम इस मुकाबले में हारने से बच जाएगा, क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 100 रन की बढ़त भी नहीं बनाने दी। तो दोस्तों, उमेश यादव की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।